दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गोविंदा की आज तक की सभी फिल्मों के नाम, बजट, कमाई और हिट फ्लॉप की लिस्ट देखेंगे। यह इस वीडियो का पार्ट वन होने वाला है। गोविंदा ने अपनी पहली फिल्म इल्जाम में एक्टिंग किया था, लेकिन यह फिल्म लव 86 के बाद रिलीज हुई, इसलिए लव 86 फिल्म को ही गोविंदा की पहली फिल्म माना जाता है। 14 फरवरी 1986 को गोविंदा की पहली फिल्म रिलीज हुई लव 86। फिल्म के लीड रोल में थे तनुजा, रोहन कपूर, फराना, नीलम कोठारी, गोविंदा, सफी इनामदार। फिल्म का कुल बजट था 1,40,00,000 का और फिल्म ने दुनिया भर में कमाई की 4,70,00,000 और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 28 फरवरी 1986 को दूसरी फिल्म रिलीज हुई इल्जाम। फिल्म के मुख्य किरदार में थे शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, नीलम कोठारी और प्रेम चोपड़ा। फिल्म का कुल बजट था 1,40,00,000 का और दुनिया भर से कमाई हुई 6 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 25 अप्रैल 1986 को तीसरी मूवी रिलीज होती है तन बदन। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए गोविंदा, खुशबू, बीजू खोटे। फिल्म का कुल बजट था 1,25,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है 4,50,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। 15 अगस्त 1986 को एक और मूवी रिलीज हुई सदा सुहागन। फिल्म के लीड रोल में थे जितेंद्र, रेखा, गोविंदा, सफी इनामदार। फिल्म का कुल बजट था 1,35,00,000 और दुनिया भर से कमाई हुई 7 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 19 सितंबर 1986 को गोविंदा की एक और मूवी रिलीज हुई ड्यूटी। फिल्म के लीड रोल में नजर आए गोविंदा, अरुण बख्शी, राकेश बेदी, अनुपम खेर। इस फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 30 जनवरी 1987 को एक और मूवी रिलीज हुई दादागिरी। फिल्म के लीड रोल में थे धर्मेंद्र, गोविंदा, पद्मिनी कोल्हापुरी, रति अग्निहोत्री, अमरीश पुरी। फिल्म का कुल बजट था 1,72,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है 3,60,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 27 फरवरी 1987 को एक और मूवी रिलीज होती है प्यार करके देखो। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, मंदाकिनी, कादर खान, अरुणा ईरानी। फिल्म ने कुल कमाई की 2,70,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 13 मार्च 1987 को एक और मूवी रिलीज होती है मेरा लहू। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, किमी काटकर, गुलशन ग्रोवर, उत्पल दत्त। फिल्म का कुल बजट था 2,07,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है 8,10,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 17 जुलाई 1987 को एक और मूवी रिलीज हुई मरते दम तक। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे राजकुमार, गोविंदा, फराना, शक्ति कपूर, ओम पुरी और परेश रावल। फिल्म का कुल बजट था 1,40,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है 4,20,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 31 जुलाई 1987 को एक और मूवी रिलीज होती है खुद गर्ज। फिल्म के लीड रोल में दिखे शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, गोविंदा, अमृता सिंह, भानुप्रिया, नीलम कोठारी, कादर खान, किरण कुमार और सईद जाफरी। फिल्म का कुल बजट था 2,40,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है 9,50,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 14 अगस्त 1987 को एक और मूवी रिलीज हुई सिंदूर। फिल्म के लीड रोल में दिखे शशि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा, नीलम कोठारी, कादर खान, गुलशन ग्रोवर, जितेंद्र और ऋषि कपूर। फिल्म का कुल बजट था 1,60,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है 5,40,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। 25 मार्च 1988 को गोविंदा की एक और मूवी रिलीज होती है शिव शक्ति। फिल्म के लीड रोल में नजर आए गोविंदा, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा, किमी काटकर। इस फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में कोई डाटा नेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 8 जनवरी 1988 को एक और मूवी आती है दरिया दिल। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, किमी काटकर, रोशनी, राज किरण, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर। फिल्म का कुल बजट था 1,57,00,000 का और दुनिया भर से कमाई होती है करीब 2,92,00,000 की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 15 जनवरी 1988 को गोविंदा की एक और फिल्म रिलीज होती है घर में राम गली में श्याम। लीड रोल में दिखे गोविंदा, नीलम कोठारी, अनुपम खेर, जॉनी लीवर। फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है 4 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 27 मई 1988 को गोविंदा की एक और फिल्म रिलीज होती है प्यार मोहब्बत। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, मंदाकिनी, राखी गुलजार, शक्ति कपूर और कादर खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। 3 जून 1988 को एक और मूवी रिलीज होती है हत्या। फिल्म के लीड रोल में नजर आए नीलम कोठारी, अनुपम खेर, गोविंदा, राजकिरण।
फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 90 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 4 करोड़ 30 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 30 जून 1988 को एक और मूवी आती है घर घर की कहानी। फिल्म के लीड रोल में नजर आए ऋषि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा, फरहानाज और कादर खान। फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 80 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है करीब 4 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है। 22 जुलाई 1988 को एक और मूवी रिलीज होती है तोहफा मोहब्बत का। फिल्म के लीड रोल में नजर आए गोविंदा, किमी काटकर, हेमा मालिनी, जानी लीवर, गुलशन ग्रोवर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। 4 अगस्त 1988 को गोविंदा की एक और मूवी आती है जीते हैं शान से। फिल्म के लीड रोल में नजर आए मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा, मंदाकिनी। फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 73 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 3 करोड़ 22 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 5 अगस्त 1988 को एक और मूवी आती है हलाल की कमाई। फिल्म के लीड रोल में नजर आए गोविंदा, फराह, शक्ति कपूर, राजा मुराद, गुलशन ग्रोवर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। 24 सितंबर 1988 को एक और मूवी रिलीज होती है पाप को जला के राख कर दूंगा। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए धर्मेंद्र, गोविंदा, अनीता राज, फरहानाज, कुलभूषण खरबंदा और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 6 जनवरी 1989 को एक और मूवी रिलीज होती है सच्चाई की ताकत। फिल्म के लीड रोल में नजर आए अशोक कुमार, धर्मेंद्र, गोविंदा, अनुपम खेर और शक्ति कपूर। फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 50 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 1 करोड़ 50 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। 13 जनवरी 1989 को मूवी आई दोस्त गरीबों का। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे गोविंदा, नीलम कोठारी, सतीश शाह, राजा मुराद, ओम शिवपुरी। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 24 फरवरी 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई दो कैदी। फिल्म के लीड रोल में दिखे संजय दत्त, गोविंदा, फरार, नीलम कोठारी, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, रंजीता कौर और सुरेश ओबराय। फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 47 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है करीब 7 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 3 मार्च 1989 को एक और मूवी रिलीज होती है आसमान से ऊंचा। फिल्म के लीड रोल में दिखे जितेंद्र, राज बब्बर, गोविंदा, अनीता राज, सोनम, सदाशिव अमरापुरकर। फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है मात्र 4 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 17 मार्च 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई फर्ज की जंग। फिल्म के लीड रोल में दिखे शशि कपूर, गोविंदा, नीलम कोठारी, राजा मुराद, अमरीश पुरी, गीता सिद्धार्थ, अंजना मुमताज। फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 45 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है मात्र 3 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 24 मार्च 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई गैर कानूनी। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए शशि कपूर, गोविंदा, श्रीदेवी, रजनीकांत, किमी काटकर, रंजीत, कादर खान, तेज सफरू और अरुणा ईरानी। फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 38 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 5 करोड़ 90 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 28 अप्रैल 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई बिल्लू बादशाह। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, नीलम कोठारी, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा, कादर खान और गुलशन ग्रोवर। फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 70 लाख का और कमाई होती है 2 करोड़ 75 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2 जून 1989 को एक और मूवी आई जैसी करनी वैसी भरनी। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, किमी काटकर, असरानी, कादर खान, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ का और कमाई होती है मात्र 8 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 16 जून 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई ताकतवर। फिल्म के लीड रोल में दिखे संजय दत्त, गोविंदा, अनीता राज, नीलम कोठारी, परेश रावल, तनुजा, अनिल धवन, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर। फिल्म का कुल बजट था लगभग 1 करोड़ 54 लाख का और दुनिया भर से कमाई हुई लगभग 3 करोड़ 80 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 16 जून 1989 को एक और फिल्म आई जंगबाज। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए राजकुमार, गोविंदा, मंदाकिनी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, डैनी डेंजोंगपा। फिल्म का कुल बजट था करीब 1 करोड़ 65 लाख का और दुनिया भर से कमाई हुई मात्र 3 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 30 जून 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई घराना। फिल्म के लीड रोल में दिखे ऋषि कपूर, गोविंदा, जया प्रदा, मीनाक्षी सेसाद्री, नीलम कोठारी, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 28 जून 1989 को एक और मूवी रिलीज हुई जेंटलमैन। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, अनुराधा पटेल, शक्ति कपूर, यशवंत दास, सामला, यूनुस परवेज। फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 10 लाख का, दुनिया भर से कमाई होती है मात्र 1 करोड़ 60 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।
8 दिसंबर 1989 को मूवी आई पाप का अंत। फिल्म के लीड रोल में दिखे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, गोविंदा, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और रंजीत। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। 14 अप्रैल 1989 को मूवी आती है आखिरी बाजी। मुख्य किरदार में नजर आए गोविंदा, प्रदीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मंदाकिनी, सदाशिव अमरापुरकर। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 12 जनवरी 1990 को मूवी आती है महासंग्राम। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे विनोद खन्ना, आदित्य पंचोली, माधुरी दीक्षित, गोविंदा, शाहीन, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और अमजद खान। फिल्म का बजट था करीब 2 करोड़ 38 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है लगभग 3 करोड़ 20 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 12 जनवरी 1990 को एक और मूवी रिलीज होती है तकदीर का तमाशा। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए जितेंद्र, गोविंदा, आदित्य पंचोली, मौसमी चटर्जी, मंदाकिनी, सदाशिव अमरापुरकर और गुलशन ग्रोवर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 26 जनवरी 1990 को एक और मूवी आती है आवारगी। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे अनिल कपूर, गोविंदा, मीनाक्षी सेसाद्री, अनुपम खेर और परेश रावल। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। 9 फरवरी 1990 को एक और मूवी आती है नया कानून। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, मंदाकिनी, राजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और सईद जाफरी। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 16 मार्च 1990 को मूवी आती है इज्जतदार। फिल्म के लीड रोल में दिखे दिलीप कुमार, गोविंदा, माधुरी दीक्षित, भारती, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, सफी इनामदार। फिल्म का बजट था करीब 2 करोड़ 17 लाख का और कमाई होती है 3 करोड़ 40 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 2 मई 1990 को मूवी आती है स्वर्ग। फिल्म के लीड रोल में थे राजेश खन्ना, गोविंद, अरुण आहूजा, माधवी और जूही चावला, परेश रावल। फिल्म का बजट था करीब 2 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है 7 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है। 1 जून 1990 को मूवी आती है काली गंगा। फिल्म के लीड रोल में दिखी डिम्पल कपाड़िया, गोविंदा, अनुराधा पटेल, सुरेश ओबराय, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 21 दिसंबर 1990 को मूवी आई थी अपमान की आग। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, सोनम, कादर खान, गुलशन ग्रोवर, किरण कुमार। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 25 जनवरी 1991 को मूवी आई थी हम। फिल्म के लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत, किमी काटकर, डैनी डेंजोंगपा, अनुपम खेर, कादर खान। फिल्म का बजट था करीब 3 करोड़ 18 लाख का और कमाई होती है 16 करोड़ 80 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 26 अप्रैल 1991 को मूवी आई कर्ज चुकाना है। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, जूही चावला, राज किरण, गुलशन ग्रोवर, कादर खान, शक्ति कपूर। फिल्म का बजट था करीब 1 करोड़ 70 लाख का और कमाई होती है 5 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 19 अगस्त 1991 को मूवी आई कौन करे कुर्बानी। फिल्म के लीड रोल में थे धर्मेंद्र, गोविंदा, अनीता राज। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 23 अगस्त 1991 को एक और मूवी रिलीज हुई भाभी। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, जूही चावला, भानु प्रिया, गुलशन ग्रोवर, अजीत वाचानी, शशि पुरी। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 6 लाख का और कमाई होती है 3 करोड़ 78 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 13 सितंबर 1991 को मूवी आई रईस ज्यादा। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, सोनम, शशि कपूर, आशा पारेख, जॉनी लीवर, गुलशन ग्रोवर। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 7 फरवरी 1992 को मूवी आई शोला और शबनम। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे गोविंदा, दिव्या भारती, गुलशन ग्रोवर, मोहिनी बहल, अनुपम खेर, राजा बुंदेला। फिल्म का बजट था करीब 2 करोड़ 13 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है लगभग 10 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 22 मई 1992 को एक और मूवी आती है जान से प्यारा। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, दिव्या भारती, अरुणा ईरानी, राजा मुराद, किरण कुमार, सुरेश चाटवाल और राजेंद्र गुप्ता। फिल्म का बजट था करीब 1 करोड़ 57 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 3 करोड़ 20 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 1 जुलाई 1992 को मूवी आई राधा का संगम। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, जूही चावला, अभिमन्यु राज सिंह, माला सिन्हा और किरण कुमार। फिल्म का बजट था करीब 1 करोड़ 40 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 1 करोड़ 10 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 17 जुलाई 1992 को एक और मूवी रिलीज होती है जुल्म की हुकूमत। लीड रोल में दिखे धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी, गोविंदा, किमी काटकर, शक्ति कपूर और परेश रावल। फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 60 लाख का और दुनिया भर से कमाई होती है 6 करोड़ 80 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 4 अगस्त 1992 को मूवी आती है नाच गोविंदा नाच।
फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, मंदाकिनी, राज किरण, अरुणा ईरानी, जॉनी लीवर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 6 नवंबर 1992 को गोविंदा की एक और मूवी रिलीज होती है बार। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, सोनम, अभिनव चतुर्वेदी, दिलीप ताहिल। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 9 अप्रैल 1993 को मूवी आई थी आँखें। फिल्म के लीड रोल में दिखे थे गोविंदा, चंकी पांडे, कादर खान, राज बब्बर, शिल्पा शिरोडकर, रितु शिवपुरी, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर। फिल्म का बजट था करीब 1.96 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है 25.25 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 7 मई 1993 को मूवी आती है प्रतीक्षा। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, जितेंद्र, शिल्पा शिरोडकर, मौसमी चटर्जी, डैनी डेंजोंगपा। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 14 मई 1993 को मूवी आती है मुकाबला। फिल्म के लीड रोल में दिखे आदित्य पंचोली, गोविंदा, करिश्मा कपूर, अरुण गोविल, तेज सप्रू, परेश रावल और शक्ति कपूर। फिल्म का बजट था करीब 2 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है 5.60 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 4 जून 1993 को एक और मूवी आती है जख्मों का हिसाब। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे गोविंदा, फरानाज, कादर खान, आलोक नाथ, किरण कुमार। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 3 सितंबर 1993 को एक और मूवी रिलीज होती है आदमी खिलौना है। फिल्म के लीड रोल में दिखे जितेंद्र, गोविंदा, मीनाक्षी सेसाद्री, दिलीप ताहिल, तेज सप्रू। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 10 दिसंबर 1993 को मूवी आई भाग्यवान। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे गोविंदा, जूही चावला, प्राण, रंजीत, जॉनी लीवर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 17 दिसंबर 1993 को मूवी आई तेरी पायल मेरे गीत। फिल्म के मुख्य किरदार में थे गोविंदा, मीनाक्षी सेसाद्री, कादर खान, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर। फिल्म का बजट था करीब 1 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है मात्र 90 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 21 जनवरी 1994 को मूवी आती है राजा बाबू। फिल्म के मुख्य किरदार में दिखे गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर। फिल्म का बजट था करीब 2.30 करोड़ का और दुनिया भर से कमाई होती है 15.27 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 28 जनवरी 1994 को मूवी आती है दुलारा। फिल्म के लीड रोल में दिखे गोविंदा, करिश्मा कपूर, रंजीत, फरीदा जलाल, सत्यजीत, राकेश बेदी, अवतार गिल, गुलशन ग्रोवर। फिल्म का बजट था करीब 1.80 करोड़ का, दुनिया भर से कमाई होती है 6.62 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 25 फरवरी 1994 को मूवी आती है प्रेम शक्ति। फिल्म के मुख्य भूमिका में दिखे गोविंदा, करिश्मा कपूर, नीतीश भारद्वाज, राजा मुराद। फिल्म का बजट था करीब 1.40 करोड़ का और कमाई होती है 2.27 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।